हेलो एंड वेलकम एक और क्वेश्चन है आई आई टी जैम ट्वेंटी ट्वेंटी से इस वाले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे ठीक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है देखे रखिए कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वायर एक्स इज ग्रेटर वायर एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट अ लिमिट अप्रोच टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज वन देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच इनफिनिटी इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स इज ठीक है अब यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इतनी ही कंडीशन है सो आई विल टेक एफ ऑफ एक्स टू बी वन और जब आप इस पे लिमिट चेक करोगे एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी ये चीज ये सेटिसफाई कर देगा इट्स अगेन ठीक है कंटिन्यूस भी है कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस है और लिमिट ये वाली भी सेटिसफाई कर ठीक थी, है नाउ अपने y का वैल्यू निकालना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखी है ठीक है प्लस टेन वाईक्वल्ट एफ जगह वन ठीक है तो आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इट विल कम आउटी टेन एक्स ठीक है टू ई की पावर टेन एक्स dx एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ठीक है so this will be y equal to e to the power minus ten x into e to the power ten x integration of this upon a ten plus e to the power negative ten x and then c take it now this is this and this will go it will be one upon ten only plus e to the power negative 10x and constant c. Now the moment you will apply the limits, जब आप limits हो limit x approaches to infinity जो हमने calculate करना है, ठीक है? इसपे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा it will remain ठीक है? 1 upon 10. But the moment you will apply the limits, this will become zero. तो आपका result है one by पॉइंट वन तो यहाँ पे इसका जो सुन है पॉइंट ठीक है आसान से क्वेश्चन थैंक यू